अल्फाबेट्स होते हैं कितने लेटर्स? 26. कितने होते हैं? 26. इसमें वॉवल्स कितने होते हैं? 5. कंसोनेंट्स? 21. A to Z में टोटल लेटर्स होते हैं 26. 21 होते हैं कंसोनेंट्स. कंसोनेंट्स लेटर कौन कौन से होते हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. का कौन सा लेटर हो गया? कंसोनेंट्स लेटर. वॉवल्स लेटर कितने होते हैं? 5. कौन कौन से? लेटर कितने होते हैं? 5. A, E, I, O, U. आपको पता है कि A और N का यूज कहाँ किया जाता है? जो लेटर कंसोनेंट्स लेटर से स्टार्ट होते हैं उस पे A का यूज होता है. जो लेटर कंसोनेंट्स लेटर से स्टार्ट होता है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? A का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? A. और जो स्टार्ट होता है वॉवल लेटर से उस पे क्या यूज करते हैं? N. तो अब हम लोग जानेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. ऑरेंज ये हमारा फर्स्ट लेटर, ये वॉवल से स्टार्ट है या कंसोनेंट्स लेटर से? वॉवल लेटर से. कौन से लेटर से? वॉवल. क्या फील होगा बेटा? एन एन. गुड. बॉल में बी क्या है? वॉवल लेटर है या कंसोनेंट्स? तो यहाँ पे क्या यूज होगा? ए. वेरी अच्छा. काउ. सी कॉन्सोनेंट्स लेटर है या वॉवेल? यहाँ क्या यूज होगा? यू एन बन. बन कॉन्सोनेंट्स लेटर है बी पे फर्स्ट लेटर या फिर कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ क्या यूज होगा? ए. हमारा जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स है या वॉवेल? यूज होगा. क्या यूज होगा? यस. ए एन M-A-T, mat, mat, mat में आपका क्या यूज होगा? A. एप्पल. ये A हमारा वॉवेल या कंसोनेंट्स? तो क्या यूज होगा? N. इस तरह से हम A और N का यूज करते हैं. बच्चों आपको समझ में आया? जिस लेटर को हम कंसोनेंट्स लेटर से स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या यूज होगा? A. और जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट होगा वहाँ पे क्या यूज होगा? N. इस तरह हम A और N का यूज करते हैं. यस. क्या कम है यार? एग. एग का फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट है या कंसोनेंट लेटर से? वॉवेल से. तो यहाँ पे क्या यूज होगा? ए या एन? एन. लिखिए. ए एन. एन. फॉर प्रियंका क्या प्लीज कम है बताइए. मैट जो. गुड. क्लैप फॉर अल्फिया. तहसीम रजा कम है यार. एप्पल लिखा हुआ है. ए कॉन्सोनेंट्स लेटर या वॉवेल? वॉवेल. तो यहाँ क्या होगा? ए या एन? एन. लिखिए. ए एन एन. गुड. क्लैप फॉर तहसीम. आप लोगों को क्लियर हुआ कि ए और एन का यूज कब कहाँ कैसे करना है? ओके. थैंक यू.